देख सकते हैं गाइस, सारी सामग्री तैयार कर दी है हम लोगों ने। हल्के हल्के चलते हैं इनकी ओर। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, आप गिन नहीं पाओगे इस, क्योंकि इसके नीचे भी छुपा हुई है ना कुछ चीज़ें। बाकी जैसे ये हो गया भिंडी, आंवला हो गया, ये सारी चीज़ें हमने सेट करके रखी हैं। बाकी जो जड़ी बूटी अलग है वो अभी अलग है, वो नहीं दिखा पाए हैं इसमें क्योंकि जगह कम पड़ गई। बाकी आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और वीडियो शेयर करें, प्योर तेल बनवाएं और अपने लिए भी मन लगाएं, मंगाना ना भूलें। सकते गाइस, कोलू पे आ गए हम लोग तेल लेने के लिए। ये हमने तेल खरीद लिया है नारियल का, बिल्कुल प्योर तेल खरीदा है आप लोगों के लिए, बिल्कुल आपकी सेवा करेंगे, बिल्कुल प्योर माल से, कूड़ा नहीं खरीदा हमें कहीं से, भूल गए थे वीडियो बनाना। ये भाई बहुत प्योर तेल बेचते हैं, आप लोग भी खरीदें भाई, गलत तो नहीं कर रहे कुछ। ये भाइयों के बालों में लगाएंगे इसलिए खरीदा तेल। चलिए मिलते हैं ना। आप लोगों की सेवा में हाजिर है। लाओ खा लिया, देख सकते हैं गाइस कितनी मेहनत कर रहे हैं तुम लोगों के लिए। दूर दूर गिर रहा है देख सकते हैं गाइस कितनी मेहनत कर रहे हैं, दिखाओ जरा मुझे। खाने में खाना ऐसे खाते हैं, मिला लिया पहले, मिला लिया पापा पानी देते हैं और ये तो बटन चाहिए, एक तो पानी दे दो, नींबू रख लो दे दो। तो देख सकते हैं जड़ी बूटी को हमने मिला दिया है बढ़िया से और हमारा तेल हो चुका है। अब देखें आप, तेल अभी से निकलने लगा है, सोचो वहाँ तक पहुँचाएंगे तो क्या होगा। ये है मावा, मावा इसे खा भी सकते हैं आप लोग। नहीं दाने का नहीं, मैं खाता हूँ रोज। नहीं नहीं खाता तुम, देखो डालो डालो मुंह में, शुद्ध चीज है। पानी में लेकर दिया अदरक, प्याज, पुदीना, धनिया, आंवला और शिमला मिर्च, भिंडी, बहुत चीजें हैं इसमें। मतलब भाभी अपने पैकेट में लेकर चलते हैं अंदर, अब डालते हैं भगोने में। चलो ये भी डालने दो, है डालो, अभी मुझे भी डालने दो। देख सकते हैं गाइस, आप लोगों का प्यार, मेरी मोहब्बत और मेरी मेहनत रंग लाएगी, आप लोगों के गंजे सिर भर जाएंगे। मैं बनाने वाला हूँ गंजा परिवार, जितने गंजे हैं वो मेरे सब भाई हैं, उन सब के सर पर बाल उगाने की जिम्मेदारी मेरी है। देख सकते हैं गाइस, ओके रिपोर्ट है, अगर करेले और काट देता ना वो तो बस किसी को बीमारी ना होती है। करेले करेले निकाले, मैं घी निकाली, अभी तो सब आने वाली है, कल लाऊंगा। हाँ बंद कर दें मैडम, भैया मैडम चली गई हैं, अब मैंने रखा उसे फिर ढक के फिर दिखा रहे हैं आपको। तो ये देख सकते हैं तैयार हो गया, अभी सुबह तक पकने देते हैं, अब सुबह को खबर लेंगे इसकी। अभी कुछ नहीं है, अभी अभी बस थोड़ा फड़फड़ाने लगा। देख आप बताएं आप लोग, तेल कोई बात नहीं है, जलने दो। देख सकते हैं गाइस हालत मेरे हाथ की, अब इसे तेल ओके आ गया है, इसमें और तेल मिलेगा। ये देखें कैसे चेप छोड़ ले, आ हा लजीज, इस बार तो लजीज कर दिया आज, बना दिया माल आप लोगों के लिए। अब इसे फेस पे लगाता हूँ अपने, देखें आप लोग माशाल्लाह खुशबू, मेरा फेस देखें आप लोग। ये तेल हमारा अपने फेस पे भी लगा सकते हैं आप लोग, सर में भी लगाएं, फेस पे भी लगाएं, जहाँ लगाएंगे वहाँ फ़ायदा होगा, क्योंकि आयुर्वेदिक है तो इससे कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है।
दुकान वकान पर सब पे लगाता हूँ और सिर में भी लगाता हूँ। अब ये बनने का थोड़ी देर में अब मैं हाथ धो लूँगा, फिर उसके बाद दोबारा हाथ धो लिए, दोबारा इसमें हटा लेंगे, फिर सर पे लगाते हुए दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, हलचल मच रही, चलते हैं, ये देख सकते हैं। अभी हमने स्लो फ्लेम पे कर दिया है, अब इसे पकने दो बस, अभी सुबह पकाएंगे जो रहेगा। यार माल तो रह गया एलोवेरा, देखो भैया इनका भी हक है कि 200 के सिरों में पड़ जाएगा, एक बंदे के सिर में तो पड़ जाएगा एक बार में। कुछ मत छोड़ो, ये भी हमें कोसेंगे, हमें क्यों ना डाला लोगों की सेवा में। चलो अंदर चलो, ठीक है गाइस, देख सकते हैं गाइस मेथी दाना कलौंजी और रीठा ये हमने डाल दिया इसमें, और बाकी तो निकाल लिया ने फोड़ के डालेंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं अभी जो फोड़ने पड़ेंगे। ये भी है, अरे यार चलते गर्म हो गया। चलिए इतने बस तेल कर, बाकी हम देखो राई भी डालते हैं इसमें थोड़ी सी, क्योंकि सब जड़ी बूटी आ रही है तो राई क्यों पीछे जाए, सरसों का तेल जब इतना अच्छा होता है तो जिंदा राई डाल देंगे सर पान तो फिर क्या होगा। देख सकते हैं आप लोग, बाकी ने फोड़ते हैं फिर डालते हैं। तो देख सकते हैं थोड़ी सी कलौंजी और डालना है हम इसके ऊपर से, ये देख सकते हैं ये ऊपर से अलग से और डालिए, ये कम पड़ गई थी लेके आए थे। बाकी अभी से मिलाते हैं तेल को, बात तो मैं तो बहुत कर देंगे, मगर अगर इसमें चीनी डाल दो ना, ये दो तरीके का बना दूँ मैं, नमकीन और मीठा, जैसे मीठा पसंद हो ये हर उसमें काम कर सकता है इस समय। पिछली बार थोड़ा बड़ा था, अब पहले से सुधार आया, ये बताओ पहले आप लोग सुधार है या नहीं। पहले ऐसे हाथों से भर रहे थे, अब सब काट पीट के सेटल करके डाल लाए हैं, तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करें और तेल खरीदें हमारा, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए यार हम। ठीक है अल्लाह, इस बार देख सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से आए सलमान, बिल्कुल बड़े वाला चम्मच लेके, जैसे ये सब काटे जाएंगे उबलते जाओ करते जाओ। इस बार पूरे इंतजाम से हैं, जोरदार ताकत के साथ बनाएंगे और चीज़ें डलेंगी वाले काम है, तो दिखाऊंगा आप लोगों को। वैसा तेल बनाना आसान काम नहीं है, ये मैं भी समझ चुका हूँ दो दिन में ही। ठीक है, तो जैसे तेल बनाना सीखना है वो सीखो और बिजनेस को आगे बढ़ाओ मेरे साथ मिलकर, फ्री सिखा रहे हो फ्री सीखो। अपनी कंपनी खड़ी करनी है तो ही सीखना, अपनी कंपनी नहीं खड़ी करनी है तो मत सीखना। ठीक है, अपनी कंपनी बनाओ पहले दिन से, मिलो करो कॉन्टैक्ट शाहरुख खान। चल तेल के अभी हम डालने वाले हैं लहसुन और कड़ी पत्ता, देख सकते हैं कितने बार बार ऐसे करना पड़ता है इसे, हर एक चीज़ को सही से मिला देंगे, सुबह को फिर घोटेंगे बढ़िया से। देख सकते हैं गाइस हमने रात भर पकाया था इसे, और अब फिर इसका अलग निकालते हैं, इसे पीसते हैं, इसमें जितना तेल डाला था इसमें 3 किलो तेल डाल चुका हूँ, पेंट का तेल दिख नहीं रहा अभी, सब इसमें जड़ी बूटी में पी लिया। और इसे फेस पे भी लगा सकते हैं आप लोग, जिनके डार्क सर्कल हो रहे हैं ना जहाँ पे आपके पास, मैंने भी लगाया है आप लोग भी लगा सकते हैं। बाकी आप पीसते हैं गिलास से, साइड में इस तरीके से इसका सारा आरा निकाल देंगे, उसके बाद क्योंकि गिलास से ना मज़ा नहीं आ जाता कहीं मारना है तो मत। चलो एक एक जड़ी बूटी इसमें मिला देंगे बिल्कुल पीस के हाथ से, पूरी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं ये तेल जड़ी बूटी का, इतनी मेहनत नहीं करते कंपनी वाले तो बस मशीनों में डाला और बस काम खत्म। अभी इसमें तेल और डालेंगे, अभी दोबारा पकेगा आप लोगों के सामने, कम से कम होगा 8 घंटे तो पकते हुए से, अभी कम से कम पकेगा या 8 घंटे और। देख सकते हैं आप लोग तेल, अभी तेल निकलता है थोड़ा थोड़ा, 3 किलो तेल पता भी नहीं चल जाए जड़ी बूटियों में, तेल इकट्ठा होना शुरू होगा। देख सकते हैं गाइस हमने इसे थोड़ा सा मसल दिया है, पीस दिया है इसको हाथों की और चम्मच की मदद से, अभी हम पकने रखते हैं। ये देख सकते हैं रेमेडी तैयार, ऐसे ही आपके बाल में चिपकी जाएगी। बाकी इसे गैस पे रखते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को, चलिए गैस की ओर उठा लो भैया। घंटा हो गया है पकते हुए से, अब देखते हैं इसे क्या हाल चाल है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देख सकते हैं आप लोग अभी इसमें और तेल डलेगा, अभी तो सिर्फ जड़ी बूटी पकाई जा रही है, तेल नहीं पकेगा अभी, तेल बाद में डाल के फिर पकाएंगे, क्योंकि अभी इतना ही तेल डाला है जितनी ज़रूरत है।
देख सकते हैं आप लोग, इसी तरीके से आप लोगों की सेवा करते रहेंगे शाहरुख खान, और जो कमियाँ रहती हैं वो आप लोग इग्नोर करा करो, जो वो भाई देसी मामला है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट। हटाओ इसे, हटाओ, गर्म है, इतनी देर में तो ना बंदे भाग जाएंगे। हाँ गर्म है तो माचो खा लेंगे। देख सकते हैं गाइस तेल हमारा, मैडम करी तेल कहाँ गया, तेल कहाँ गया, ये देखो तेल कितने लगा तेल, ये है सबर रखते ऐसे नहीं बन जाता कि पेड़ पौधे बन जाए। देखो भाई इसी तरीके से पकाते रहेंगे, ऐसे 8 घंटे रात पकाया है, अभी कम से कम 8-10 घंटे और पकाएंगे इसे, अभी और तेल डलेगा इसमें, अभी ये पीसी जाऊंगी, बहुत मजा आने वाला है, बने रहे ब्लॉग में। अकेला मैं बोल नहीं पता मैडम, जब मेरे साथ होती तो ज़्यादा जोर जोर से बोलता हूँ, डर नहीं लगता फिर मुझे कोई, अकेला बोलता हूँ भाई जरा हमको लटका दे तो। बाकी देख सकते हैं ये हमारी मोहब्बत का असर दिखाई दे रहा है आप लोगों को इसमें, जितनी हमारी मोहब्बत सच्ची है उतना ये तेल भी सच्चा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। देख सकते हैं गाइस कोई गजल वजह हिंदुस्तान में कसम खाइए राजस्थान में, एक गंजा परिवार खड़ा करूंगा मैं। अभी इसमें तेल डालने वाले हैं और बाकी हमने तेल डाल चुके हैं, बाकी और तेल लेके आए हैं, और अगली दफे लंच आता सीधा एक टीन आएगा बड़ा सा 15 लीटर का, बुरा लग रहेगा जी। क्या बना रहे तेल? तेल गंजे परिवार के लिए, अपने परिवार से कितना प्यार करता हूँ मैं, तुम 100 रुपये में आ रहे थे बना रहे हो। जैतून का तेल, नारियल का तेल पहले ही पका दिया था इसमें डाल के, अब जैतून का तेल डाल रहे हैं। अब आ जाता है तिल का तेल, जाओ ये है तिल का तेल, तिल का तेल, दिल का तेल, कोई मिलावट नहीं होगी, सब आपके सामने होगा। इसमें मिला हुआ है आरंडी का और चमेली का तेल, दोनों मिक्स करवा के लाएंगे, इसके ढक्कन के अलग पहचान मांग दिया, कम नहीं है और डलेगा जरूर। ये पकाया जाएगा फिर कम से कम 12-13 घंटे, अभी तक पक चुका है, अभी कम 4 घंटे और पकेगा, उसके बाद ये तेल तैयार हो जाएगा। और अभी बस की बोतल मिल गई है, मैं बोतल भी लेने गया था, जिसके बोतल भर के रखा जाए, वो कह रहा ऑर्डर देके बनवाई जाती है भाई, तो कल को मिलेगी, देख सकते हैं, बताना कमेंट में मजा आ गया नहीं, लाइव पहला सिस्टम चल रहा है, तो ना दिख रहा है। तो ये देखो तुम हमारा माल, देख सकते हैं गाइस ये मैडम के कितने बाल टूट रहे थे, अब हम इनके तेल लगाने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कितने कम हो जाते हैं बाल, ये देखें बाकी हमारा देसी जड़ी बूटी का नुस्खा तैयार हो गया है भाई साहब, इस बार तो कम से कम 15-20 घंटे लगने वाले हैं इसमें, तुम देखो ना, तुम्हें देख सकते हैं गाइस कैसे माल पक रहा है, इस तेल को पकते पकते हो गए हैं मेरे ख्याल से 16 घंटे, और अभी कम से कम 4 घंटे और पकेगा, पूरे 20 घंटे पकाना है, फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हो पाएगा ये तेल, देख सकते हैं आप लोग, जैसे ये झाड़ के लिए सब गंदगी हटा देंगे, तो